वाए हिंदुस्तान में और खुशबू फैली जहान में अकीदत मंदों की पसंद इत्र या गरीब नवाज सिर्फ fridaycharm.com पर। अहमदाबाद के एक ऐसे शहीद अल्लाह के वली जिनकी मजार रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं मुदस्सिर नूरी फिर एक बार हाजिर खिदमत हूँ एक नई वीडियो के साथ। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे वली कामिल की बारगाह की ज़ियारत करेंगे जिनकी बारगाह में आज भी उनका फैज़ जारी है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्तान मुबारक रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, जहाँ पर हर धर्म के लोग आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं और सफ़र करने से पहले आपकी बारगाह में हाजिर होकर सफ़र खैरियत की दुआ करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, तो आज की इस वीडियो में हम इन अल्लाह के वली की बारगाह की ज़ियारत करेंगे और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सवाने हयात से मुतालिक मुख्तसर सी मालूमात हासिल करेंगे और वीडियो के आखिर में तमाम नाज़रीन के लिए दुआए खैर भी करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके आगे शेयर ज़रूर करें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, आज हम जिन वली कामिल की बारगाह की ज़ियारत कर रहे हैं इनका पूरा नाम हज़रत कालू शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्तान मुबारक अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सवाने हयात से मुतालिक मालूमात बहुत कम लोग जानते हैं। आपके आस्तान के करीब एक मस्जिद थी जो सैयदी बशीर की मस्जिद के नाम से मशहूर थी, जिसे कुछ लोगों ने शहीद कर दिया। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़े ही नेक पाए तकमील बुजुर्ग हैं। आपने अपनी हयाती में लोगों की खिदमत फरमाई, फिर आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, लेकिन आज भी अल्लाह के करम से आपकी मज़ार पाक की ज़ियारत करने से लोगों को फैज़ मिलता है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पर्दा फरमाने के बाद आज भी लोग आपके आस्तान मुबारक से रूहानी फैज़ हासिल करते हैं और शिफा पाते हैं। और जब कभी कोई मुसाफिर सफ़र करने के लिए जाता है तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्तान पर ज़रूर हाजिर होता है और सफ़र खैरियत की दुआ करता है। और नाज़रीन, हज़रत कालू शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्तान पर जो लोग अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला हज़रत कालू शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वसीले से हर एक की दुआ कबूल फरमाता है। और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्ताना वो आस्ताना है जहाँ पर हर धर्म के लोग आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं और अपनी मन्नतें मुरादें पूरी पाते हैं। तो आइए नाज़रीन, हम भी इन वली अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, हो सकता है अल्लाह ताला हमारी दुआओं को भी इनके वसीले से कबूल फरमा ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत कालू शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह और तमाम औलिया अल्लाह के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क रसूल अता फरमाए, हम सबके ईमान की हिफाजत फरमाए और हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब की नेक जायज तमन्ना आरजू मुरादों को पूरी अता फरमाए। और जिन लोगों ने भी मुझे दुआ के लिए कहा, मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे दोस्त अहबाब, उन सब की तमाम दिली जायज नेक तमन्ना आरजू मुरादों को पूरी अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला जो लोग बीमार हैं उन्हें मुकम्मल शिफाए कामिल वाजिल अता फरमाए और जो लोग बे औलाद हैं उन्हें नेक सौले औलाद अता फरमाए और जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, मकरूज हैं, परेशान हाल हैं, उनकी परेशानी को दूर अता फरमाए, उन्हें कर्ज से निजात अता फरमाए और उनकी गैबी मदद अता फरमाए। और जो लोग कारोबार के लिए परेशान हैं, रोजी रोटी के लिए परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर अता फरमाए और उन्हें रिज़्क़े हलाल अता फरमाए। और जो लोग बे औलाद हैं उन्हें नेक सौले औलाद अता फरमाए। और जिनकी शादियां नहीं हो रही है, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें नेक सौले रिश्ता अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला हमारे वालिदैन की मगफिरत फरमाए, इनका साया हमारे सरों पर हमेशा सलामत रखे, तमाम उम्मत मुस्लिमा की मगफिरत फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला हज़रत कालू शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वसीले से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब की तमाम दिली जायज नेक तमन्ना आरजू मुरादों को पूरी अता फरमाए। और जितने भी लोग इस वीडियो को देखकर आमीन कह रहे हैं, अल्लाह ताला उनके आमीन को अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार आमीन ज़रूर लिख दें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, क्या पता किसका आमीन करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल हो जाए और हम सब की मन्नतें मुरादें दुआएँ पूरी हो जाएँ। और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, अगर आप अपने नाम से दुआ करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके नाम से दुआ ज़रूर करूँगा। और नाज़रीन, अगर आप इस दरगाह में हाजिर होना चाहते हैं तो वहाँ के लोकेशन का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके मैप के जरिए वहाँ पर हाजिर हो सकते हो। तो माशाल्लाह नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।
Oh.